दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग पुट्टी किस तरह से लगा है, पूरा इसका हालत देख सकते हैं ये दीवार की, ठीक है ना। अभी आप पूरा है ना पूरा लाइट चेकअप के साथ पूरा पेपर मारने का है। उसके लिए क्या है बोले तो हम लोग ये क्यूमी कंपनी का सैंड पेपर यूज़ कर रहे हैं। ये क्यूमी कंपनी का ही चाहिए, ये प्रोडक्ट आके अप्पू के नाम से आता, ठीक है ना। ये आके सैंड पेपर है दोस्तों दीवार को मारने के लिए, ठीक है ना। अभी क्या है बोले तो इसी पेपर से हम लोग पूरा फ्लैट पेपर मारने वाले हैं, ठीक है ना। ये ओपन करने के बाद क्या है बोले तो अपने को अभी आप देख सकते हैं ये पेपर आके सूखा पेपर के नाम से भी जाना जाता। अभी हम यूज़ करते सुन पेपर क्या है बोले तो 120 नंबर वाला पेपर है। इसमें नंबर्स क्या है बोले तो अपने को 60 नंबर से लेके 220 नंबर तक अपने को मिल जाता। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं पेपर किस तरह से फोल्ड कर लिया। थोड़े लोग क्या है बोले तो एक पेपर में दो पीस कर देते हैं, अभी आप देख रहे हैं ना दो पीस। ऐसे फोल्ड कर लेने से क्या है बोले तो अपने को जो हाथ रहता ना अपने हाथ में पूरी तरीके से नहीं आता। अभी एक पेपर में जो फोल्ड कर लेना, फोल्ड कर लिए तो क्या है अपने को पेपर मारने में भी ईजी रहता, और क्या है बोले तो सीलिंग वगैरह मारते वक्त क्या है बोले तो फिसल के नहीं गिरता नीचे। फोल्ड करके कब किधर मारना बोले तो कबोर्डों में छोटे छोटे जगहों पर रहता ना, कबोर्ड्स वगैरह रहता ना उसके अंदर फोल्ड करके मार सकते। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से और नीचे से पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्या है बोले तो अभी हॉल है, एक किचन है, एक बाथरूम है, वो एक खत्म कर दिए तो क्या है बोले तो आज का काम पूरा खत्म हो जाता। तो बेडरूम है ना, ये एक पेपर से मारे उन्हें, एक पेपर से हमारा साथी एक पेपर से और मैं एक पेपर से। ये क्या है बोले तो ये पेपर बहुत स्ट्रांग रहता, समझो अपने को जो हाथ हाथ से मारते ना और हाथ में जलन भी नहीं होता, और क्या है बोले तो हाथ जरा जल्दी कट नहीं होता, स्मूथ नहीं होते हाथ, ठीक है ना। अभी क्या है बोले तो आपको जो हम लोग पेपर मारे से पूरा नजदीक से पूरा फिनिशिंग बताता हूँ इसका। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग पेपर मारे पूरा फिनिशिंग के साथ लाइट चेकअप के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को।